हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HB स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। दिस इज हरीश चंद्र। अक्सर हम अपने डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस बोल जाते हैं, इसी को तो प्यार कहते हैं। प्यार इसी का तो नाम है। प्यार का मतलब तो यही होता है, देशभक्ति का मतलब यही होता है। देशभक्ति इसी को तो कहते हैं, देशभक्ति इसी का तो नाम है। इस प्रकार के सेंटेंस हम अक्सर अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। देखिए, आज हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। ये जितने भी सेंटेंस मैंने तीन प्रकार से बोला, ये तीनों टाइप के सेंटेंस का हम लोग ट्रांसलेशन सिर्फ एक ही प्रकार से करेंगे। देखिए देखिए करते हैं। इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, दिस इज व्हाट प्लस नाउन प्लस इज ऑल अबाउट टू। दिस इज व्हाट प्लस नाउन प्लस इज ऑल अबाउट। दिस इज व्हाट प्लस नाउन प्लस इज ऑल अबाउट। देखिए दिया गया है, प्यार इसी को तो कहते हैं, प्यार इसी का तो नाम है, प्यार का मतलब यही होता है। ये तीन सेंटेंस है, तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का ट्रांसलेशन सिर्फ एक ही प्रकार से बनेगा। देखिए, दिस इज व्हाट लव इज ऑल अबाउट। देशभक्ति इसी को तो कहते हैं। दिस इज व्हाट पैट्रियटिज्म इज ऑल अबाउट। ईमानदारी इसी को तो कहते हैं। दिस इज व्हाट ऑनेस्टी इज ऑल अबाउट। दोस्ती इसी को तो कहते हैं। दिस इज व्हाट फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट। पढ़ाई का मतलब यही होता है। दिस इज व्हाट स्टडी इज ऑल अबाउट। गरीबी इसी को तो कहते हैं। दिस इज व्हाट पॉवर्टी इज ऑल अबाउट। अध्यापक किसी को तो कहते हैं। दिस इज व्हाट टीचर इज ऑल अबाउट। वफादार का मतलब यही होता है। इस सेंटेंस का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।